अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सुलेखा अरफा, सुलेखा किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं भी अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हूँ। आज मैं रमजान स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ, थ्रेड चिकन स्टिक्स। बहुत ही मजेदार बनती है, झटपट इजी भी है, और इसे मैंने 5 मिनट इंस्टेंट रेड चटनी के साथ सर्व किया है। आप हरी चटनी के साथ सर्व की कर सकते हैं। आई मीन दोनों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के लिए, आप चेक कर लीजिएगा। सो बनाए और जल्दी से हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ऑर्डिनरी यानी साधारण इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है 1/2 किलो की चिकन बोनलेस। मैंने हमेशा थाई पोर्शन लेती हूँ, इसके लिए इस बार भी थाई पोर्शन लिया है। वैसे इस रेसिपी में ब्रेस्ट पोर्शन लेते हैं। अच्छा, अब आपने बड़े बड़े मोटे मोटे नहीं रखने, पतले पतले पीस करने। मतलब एक अगर पीस है मोटा तो उसको 2-3 पीस कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े बड़े पीस चाहिए आपको। और थोड़ा सा साइड वाइज से जो भी ट्रिम व्रिम करना है, चर्बी, वो सारी ट्रिम कर लीजिए। और हो सके तो थोड़ा सा हैमर से थोड़ा सा चपटे करना है तो कर दीजिए, या फिर मेरी तरह, मैं तो ये जो छुरी है इसी से थोड़ा सा हैमर करती जा रही हूँ, सो दैट थोड़े से हल्के से और चपटे हो जाएंगे। इसे 2-3 पानी से धोकर निताने 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिएगा। वैसे ये टोटल 500 ग्राम चिकन है, लेकिन थोड़ा सा साइड वाइड का मैंने निकाला तो इसके लिए ये 400 ग्राम चिकन ही बची है। तो तकरीबन 8 से 9 पीस बने हैं, जैसे आप देख सकते हैं। वो जो साइड के बचे हैं वो मैं तकरीबन सूप वगैरह या किसी भी डिश में इस्तेमाल कर लूंगी। चलिए, अब एक प्याले के अंदर नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैं 3/4 छोटे चाय का चम्मच डाल रही हूँ। 1 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1/2 छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस। मेरा डार्क वाला है, इसके लिए मैं कम डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 अंडा फोड़कर डाल दीजिए। अच्छा, मुझे चिली सॉस थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1/2 टेबलस्पून और डाल रही हूँ। और इसके साथ साथ डाल दीजिए 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च। चुटकी भर रेड तंदूरी फूड कलर डाल दीजिए, ऑप्शनल है, और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। और इसमें जो चिकन आपने साइड पर रखी है 10-15 मिनट के लिए नितार कर, ये सारी अच्छे से वेल कोट कीजिए, अच्छे से मैरिनेट कीजिए, और इसे ढककर तकरीबन जितना समय आपके पास हो उतने समय के लिए मैरिनेट करने रख दीजिए। मेरे पास 2-3 घंटे थे तो मैंने इसे मैरिनेट करने 2-3 घंटे के लिए रखे। आपके पास 1/2 घंटा हो तो 1/2 घंटा मैरिनेट करने रख दीजिए। जब तक मैरिनेट हो रही है हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये समोसा पट्टी, इसको है ना, पहले तो बहुत अच्छे से खोल लीजिए, एक एक करके सारी को अलग अलग शीट्स कर लीजिए। जब इस तरीके से आप एक एक शीट उसकी अलग कर लें, आप चाहें तो मैंने बाजार की ली है, आप चाहें तो घर की भी समोसा पट्टीज ले सकते हैं। मैं घर में बनाई हुई हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, वो भी बहुत अच्छी बनती है। मैंने उससे भी बहुत बार ये वाली रेसिपी बनाई है थ्रेड चिकन, और बढ़िया मज़ेदार लगती है घर के समोसे की पट्टी के साथ भी। इस तरीके से कुछ शीट्स लीजिए, एकदम जो आपने निकाल ली है एक एक सिंगल सिंगल कर लिए, और इस तरीके से इसके बारीक बारीक पीसेस कर लीजिए ऐसे। और जितने मैंने तकरीबन समझिए ना आधी शीट्स के कर लिए थे समोसे पट्टीज के, आप चाहे तो 3/4 पट्टीज के कर सकते हैं। जब सारी काट लें आप, तो हाथों की मदद से इस तरीके से उलट पलट करते जाएंगे ना तो खुल जाएगी, खुलेगी तो ज्यादा बेटर रहेगी, हमारे पास ज्यादा पट्टियां हो जाएंगी लगाने के लिए। इन्हें साइड पर रख दीजिए। चलिए, 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट होके। यहाँ पर मैंने कांडिया लिए हैं स्टिक्स, उसे इस तरीके से एक पोर्शन जो वेल कोटेड चिकन है उसमें इस तरीके से बीच में लगाएं और इसे साइड पर रख दें एक प्लेट के ऊपर। इसी तरीके से सारे पोर्शंस वेल कोट करे हुए के अंदर बीच में स्टिक लगा दें। चलिए, सारे स्टिक्स के अंदर मैंने चिकन पिरो लिए, जैसे आप देख सकते हैं जो समोसे की पट्टीज हमने काटे हैं वो ज़्यादा पूरी मत लीजिए, थोड़ी ही रखिए। देखिए, मैंने साइड पर बाकी की रख दी है, थोड़ी सी लीजिए, फैला दीजिए उसे नीचे, और जो चिकन है स्टिक उसे इसके ऊपर रखिए समोसे की पट्टी की स्ट्रिप्स के ऊपर, और इस तरीके से उलट पलट करते हुए हल्का हल्का प्रेस कीजिए तो वो चिटक जाएगी, और जो नहीं चिटकेगी वो नीचे गिर जाएगी। बस इसी तरीके से आप एक एक बनाकर साइड पर रखते जाइए। आप चाहें तो थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च इन स्ट्रिप्स के ऊपर डालकर मिक्स कर लें और फिर चिकन को स्टिक्स को उलट पलट करें स्ट्रिप्स के ऊपर, दोनों ही वे सही है। यूजुअली मैं कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्नस्टार्च डालती नहीं हूँ, डायरेक्टली ही स्ट्रिप्स के ऊपर उलट पलट कर देती हूँ। अब ये सारे बन जाए तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। 1 घंटा हो जाए तो इसको आप चाहें तो उसी समय फ्राई कर लें या फिर
फ्रीज करना है तो एयरटाइट कंटेनर लीजिए, नीचे बटर पेपर रखिए और एक दो नीचे इस तरीके से कांडियां लगा दीजिए। उसके बाद फिर से बटर पेपर रखिए, हल्के हाथ से जो हमारी चिकन थ्रेड चिकन है उसे इस तरीके से उसके ऊपर प्लेस कीजिए, फिर से बटर पेपर लगाइए और इसी तरीके से लगाते जाए लेयरिंग और ढक दें और फ्रीजर के अंदर तकरीबन आप 15-20 दिन तक रख के इसे खा सकते हैं। मैं आधे फ्रीज कर रही हूँ और आधे आज अभी बना रही हूँ। फ्राइंग के लिए कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लीजिए, हल्का गरम हो जाता है तो चूल्हा मीडियम आंच कर पहले तो ये टेस्ट कर लीजिए कि जब आप कांडी डालते तो ऊपर हल्के बबल्स आने चालू हो जाने चाहिए, मतलब एकदम गरम भी नहीं चाहिए और एकदम अंडर गरम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए। जब आप मीडियम गरम देखें तो ये एक स्टिक डाल दीजिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलकर और चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और इसे कुछ सेकेंड्स या उसके लिए पकने दीजिए, उलट पलट करते जाए और तकरीबन 7 मिनट तक इसे पकने दें उलट पलट करते हुए। तो क्या हमारी चिकन बहुत अच्छी खासी अंदर से पकनी चाहिए, हाँ तो 7 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए हल्का मीडियम आंच और हल्का सा जब ये जो चिकन का कलर हल्का आपको चेंज होने लगे, डार्क मत करिएगा, हल्का चेंज होने लगे आधे पौने मिनट एक मिनट में तो हो जाएगा, तो 8वें मिनट में से निकाल लीजिए। इसी तरीके से सारे दो दो तीन तीन बैचेस के अंदर फ्राई कर लीजिए। डायरेक्टली छन्नी के ऊपर मैं डाल रही हूँ, टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो वो जो स्टिक्स के ऊपर हमने जो भी लगाया है वो थोड़ी सी नम हो जाएगी, नरम हो जाएगी, तो इसे थोड़ा सा हमें क्रिस्पी रखना है तो आप छन्नी के ऊपर ही डालिएगा, टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा, आप चाहे तो रैक के ऊपर भी रख सकते हैं। और दूसरा ख्याल खास कर ये रखिए कि आप चूल्हा स्लो पर रखें क्योंकि हमारी चिकन पकी हुई नहीं है और बड़े बड़े पीसेस हैं, इसे पकना बाकी है, 7 मिनट तक आप उसे स्लो आंच पर पकने दीजिए। जब 7 मिनट हो जाए तो इसे मीडियम आंच कर दीजिए, तकरीबन आधे पौने या एक मिनट के लिए हल्का सा कलर चेंज हो जाए, दोनों से ज्यादा कलर चेंज मत कीजिए कि डार्क हो जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए क्योंकि जब बाहर आएगा तभी भी उसका कलर थोड़ा चेंज होगा। तो बस इसी तरीके से पैचेस में फ्राई करते जाए और 7-8 मिनट में इसे निकाल लीजिए। ये देखिए क्या तेल थोड़ा सा निधर आया है ना। अच्छा, ये है 2 मिनट में बनने वाली इंस्टेंट रेड चिली चटनी, इसकी रेसिपी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ। अच्छा, इस तरीके से आप छन्नी के ऊपर डालकर जब रखते हैं ना और टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं रखते तो उससे क्या होता है ना, दो फायदे होते हैं कि सौगी नहीं होती है और दूसरा फायदा ये होता है कि ये जो थ्रेड्स है ना ये काफी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। अब ये बन गई है हमारी, गर्मा गर्म सर्व कीजिए चिकन थ्रेड स्टिक्स, मजेदार लज्जतदार। तो कैसी लगी थ्रेड चिकन स्टिक्स की रेसिपी, है ना मजेदार, जरूर बनाइएगा और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी लगे रेसिपी लाइक जरूर कीजिएगा, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाली रेसिपी के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।